ग्राम कुरुत कोका की जमीनों के सीमांकन मालिकाना हक व कब्जे को लेकर शिकायतें लगातार प्रशासन को प्राप्त हो रही है। अब ऐसे मामलों की परत दर परत पोल खुलती जा रही है। कुरुत क्षेत्र में ऐसी ही एक जमीन को लेकर वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितेश यादव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि शासकीय भूमि पर दबंगई पूर्वक अतिक्रमण किया गया है। मामले की जानकारी पार्षद नितेश यादव ने दी है। जी, मैं नीतीश यादव हाउसिंग बोर्ड से पार्षद हुआ। मेरे पार्षद बनने के तुरंत बाद लोगों की शिकायत आने लगी, क्रूद में काफ़ी अवैध कब्जा हो रहा है, जिसको लेके मैंने कलेक्टर सर के पास आके आवेदन लगाया था जनदर्शन में कि अवैध कब्जा जितने भी हैं उनको जांच कराया जाए और अवैध कब्जा को मुक्त कराया जाए। अभी मैंने कलेक्टर सर के पास जनदर्शन में लगाया था, जिसके शिकायत करने के बाद कलेक्टर सर ने संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार की टीम बनाई है, जो टीम जाँच करेगी। जाँच करने के बाद उनको जो भी रहेगा उसको रिपोर्ट सौंपेगी, तो फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं इस रिपोर्ट का।